हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इनकमिंग कॉल का जो स्टाइल होता है आप उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है तो मैं आपको इनकमिंग कॉल का जो स्टाइल है उसे चेंज करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ना मैं अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर जो है नंबर डायल करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस वाले फ़ोन पर मेरा देखिए कॉल आ रहा है ऊपर की साइड में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऊपर की साइड में कॉल आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉल आ रही है ऊपर की साइड आ रहा है। अब इसका जो हम कॉल का स्टाइल अब हम चेंज करने वाले हैं, यहाँ पर मैं अब इस नंबर को कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पर से जो है अपने इस वाले फ़ोन को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना जो इनकमिंग कॉल का स्टाइल आपको चेंज करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो फ़ोन का ऐप होता है ना जिससे आप नंबर डायल करते हैं, ये वाला मैं पास करके दिखाया था। ये जो फ़ोन का ऐप है ना, ये वाले फ़ोन के ऐप को आपको ओपन करना है। ठीक है, इस ऐप में आपको जो है ना ऊपर की साइड ये थ्री डॉट का ऑप्शन है, इसे टैप करना है। और यहाँ पर दोस्तों एक कॉल सेटिंग का एक पेज आता है, ये देखिए ये कॉल सेटिंग का पेज आता है, इसे टैप करना है। और यहाँ पर आपका जो है ना ये वाला पेज ओपन होगा कॉल सेटिंग का। इसमें आपको जो है ना नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले इनकमिंग कॉल व्हेन अनलॉक। ठीक है, ये वाला टैप करना है। तो इसके अंदर देखिए आपका ये डिस्प्ले इनकमिंग कॉल व्हेन अनलॉक का एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो बैनर दे रखा, बैनर पे मेरा पहले से टिक मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पर नीचे फुल दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे बैनर पे मेरा पहले से टिक मार्क लगा हुआ है, तो मेरी जो इनकमिंग कॉल है वो ऊपर की साइड में शो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसे फुल के ऑप्शन के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगा लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फुल के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगा लिया। अब मैंने ये चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैं अपना नंबर यहाँ पे फिर से डायल करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं अपना फोन यहाँ पे वापस से मैं इसे जो है नंबर को यहाँ पे डायल करता हूँ। तो अब हम देखते हैं हमारा जो स्टाइल है देखिए दूसरे तरीके का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना अपने इनकमिंग कॉल का जो स्टाइल है इसे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो है एक कंडीशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है अपनी ये वाली कॉल को यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली कॉल को मैंने कट कर दिया। अब देखिए हम जो है ना अपने इसी फोन ऐप के जो जिस वाले पेज में मैंने आपको चेंज करने का तरीका बताया था फोन ऐप में, तो इसमें हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक ये लिखा हुआ है ना डिस्प्ले इनकमिंग कॉल व्हेन अनलॉक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब हमारा जो फ़ोन होता है ना ये अनलॉक होता है, जैसे कि हमारा ये फ़ोन अनलॉक है, देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन अनलॉक है यानी कि स्क्रीन लॉक नहीं लगा हुआ है, तभी ये जो है सेटिंग काम करती है। जब आपका जो है फ़ोन अनलॉक होता है तभी ये सेटिंग काम करती है। अगर मान लीजिए कि आपका फ़ोन का जो है स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, ये मेरा स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पर वो स्टाइल चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ना फुल पेज पर ही आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि मैं अगर नंबर डायल करूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है हमारा इस वाले लॉक स्क्रीन पे ना स्क्रीन लॉक पे फुल पेज पे ही आएगा वो। ठीक है, ये देख सकते हैं फुल पेज पे आएगा, छोटे पेज पे नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है ना आपकी, ये सिर्फ जो है आपके जब आपका मोबाइल फोन अनलॉक रहता है ऐसे तभी आपकी ये सेटिंग काम करती है। इसी अनलॉक वाले पेज पे आपका जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहीं पर ही आपको ये दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप जो है अगर छोटे पेज में चाहते हैं आपकी इनकमिंग कॉल छोटे पेज में शो होना चाहे, तो आप उसे यहाँ पर जो है ना इस फोन वाले ऐप में जाकर आप उसे जो है डिस्प्ले पे आप उसे टैप कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले सॉरी ये बैनर पे टैप कर सकते हैं, इससे आपकी जो कॉल है ना इनकमिंग कॉल छोटे पेज में दिखाई देगी ऊपर की साइड। अगर आप इसे फुल के सर्कल के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाते हैं तो आपकी जो इनकमिंग कॉल है ना वो फुल पेज पे दिखाई देगी। मैंने आपको करके दिखा भी दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ना इनकमिंग कॉल का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है।